हाथों और पैरों से माजूर, लेकिन ख्वाहिश है आसमान छूने और ख्वाब है अपने कदमों पर खड़ा होने का। यह है कराची के 26 साल नौजवान मोहम्मद उवैस। उवैस ने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जबकि स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान में भी तमगा अपने नाम करवाया। मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में, स्कूल में, मैंने तमाम नॉर्मल स्कूल से तालीम हासिल की, तो मुझे पढ़ाई में कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। शानदार तालीम के साथ साथ उवैस 6 जबानें बोलने की सलाहियत भी रखते हैं और शायरी का भी खूब शौक है। वजूह है कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। माजूरी को कमजोरी ना बनाने वाले उवैस की हिम्मत और जज्बे को सहराते हुए कई सियासी शख्सियात ने इन्हें रोजगार दिलवाने के वादे तो किए, लेकिन वादे कभी वफा ना हुए। सरकारी महकमे से रिटायर्ड उवैस के वालिद बेटे के रोजगार के लिए बेहद परेशान हैं। ये मेरा बच्चा डिसेबल्ड है और किसी भी नॉर्मल बच्चे से कम नहीं है। इसकी नॉलेज, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। अगर इसको जॉब दिया जाए तो हमारे लिए कुछ बेहतरी हो सकेगी। मोहम्मद उवैस शानदार तालीमी रिकॉर्ड और लातादाद कामयाब इंटरव्यूज के बाद भी बेरोजगार है, मगर सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद के लिए पुर उम्मीद है और हुकूमत की नजर करम के मुंतजर भी। पहाड़ों से बुलंद हौसले और खुदादाद सलाहियतों के हामिल नौजवान मोहम्मद उवैस इस बात के लिए पुर उम्मीद है कि वो मसीहा जरूर आएगा जो इनकी जिंदगी में हकीकी तब्दीली लेकर आएगा। कैमरामैन अमार खान के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़ कराची।